हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजुला दिल से। मैं आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मंजुला दिल से में। गाइस, आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी तो मैं इंदौर में हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि इंदौर में बहुत ही ठंडा है, इसलिए मैं धूप में खड़ी हूँ। तो धूप लग रहा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सुबह का टाइम है, 8 o'clock हो रहा है, फिर भी इतना धूप है और फिर भी धूप में खड़े होकर के कितना अच्छा लग रहा है ना कि क्या बोले। और ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है एकदम। तो गाइस, आज हम लोग मॉर्निंग में निकल रहे हैं इंदौर टू आगरा। तो आज हम लोग रात में आगरा पहुंचेंगे। यहाँ से आगरा 12 घंटे का रास्ता है। तो आज हम लोग रात को आगरा पहुंचने वाले हैं, आगरा अब घूमने वाले हैं। तो यहाँ का सारा अच्छा से दर्शन हो चुका है। भगवान जी का जितना भी दर्शन करना था तो सब बहुत अच्छा से दर्शन हो चुका है। तो आज हम लोग अभी निकल रहे हैं आगरा के लिए। और ये इतना अच्छा, मतलब ये गेस्ट हाउस था कि मतलब क्या बोले, इसमें 3 nights थे हम लोग, फिर भी जाने का मन नहीं कर रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा लगा था। और इंदौर अच्छा जगह भी है। वैसे भी कहा जाता है इंडिया का सबसे साफ़ सुथरा और जितना भी क्लीनिंग जितना भी रहता है वो इंदौर नंबर 1 पे आता है। रियली साफ़ सुथरा तो है ही, मतलब अच्छा जगह है और मंदिर सब भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो चलते हैं अब हम लोग। हाँ चलिए, हम लोग फिर से निकल गए हैं अपने सवारी के साथ और ड्राइवर जी के साथ, जो ड्राइवर जी हम लोग को पहुंचाएंगे आगरा, है ना। कितने घंटे में? 12 घंटे तो दिखा रहा है कि पहुंचाने में। आप कितना घंटा में पहुंचाइएगा? कितने देर में पहुंचना है? अच्छा, हम बोलेंगे उतना देर में पहुंचा दीजिएगा, ऐसे लाके पहुंचा देंगे। नहीं नहीं, धीरे ही धीरे चलिए, उड़ा के मत पहुंचाइए। हमको पहुंचना भी है, आगरा घूमना भी है, आगरा का ताजमहल भी दिखना है। तो इसलिए तो धीरे धीरे चलिए, 15 घंटा में पहुंचाइए, लेकिन सेफ्टी पहुंचाइए वहां तक, है ना। ओ मिस्ट्री, अपना पूरा बेड लगाना चालू कर दी, पूरा चालू कर दी ना अपना बेड उड़ एकदम, सोने का व्यवस्था हो गया मिस्ट्री का, टाइम उसका हो गया। और आज तो हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे नहीं गाइस, क्योंकि हम लोग रात में कल बहुत सारा लंच सॉरी डिनर कर लिए थे। तो आज पूरा पेट ओवरफ्लो है, एक ही बार सोचे हम लोग लंच करेंगे, तभी निकले हैं, है ना। एक बार लंच किया जाएगा। यस, और कुछ फ्रूट्स है, फ्रूट्स जिसको भूख लगेगा खा लेंगे। मिस्टी को तो खाना नहीं है, अगर मिस्टी को नहीं खाना है तो हम लोग को भी नहीं खाना है ब्रेकफास्ट, डायरेक्ट उसको लंच करना है, तो हम लोग भी लंच भी करेंगे डायरेक्ट। और बैठे बैठे पछता भी नहीं है, है ना। कितना खाओगे? कितना खाएंगे? यहाँ पे तो बहुत ज्यादा टाइम लगा था, यहाँ पे क्या टोल टैक्स लेता है ना। जो का मशीन में उसका काम नहीं कर रहा, तो टाइम लग गया था। कैसा लग रहा मंजा? बहुत मजा, बहुत अच्छा लग रहा, मजा से मजा आ रहा है। कैसा चल रहा? हम लोग अभी तक ऑलमोस्ट कितना 1500 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए। गोवा से 1600 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिए, अभी 400 और है। अकेले कितना ड्राइव किए हैं? अभी तो टाइम नहीं हुए। नहीं, हमको तो अच्छा लगता है अकेले गाइस ड्राइव करके आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत हम भी कर देते हैं, पर वो दे नहीं रहे। और पता है जब ये ड्राइव करते हैं ना तो हमको तो बिल्कुल पता नहीं, शरीर में आलस बन आ जाता है क्या, तो हम चलाते ही नहीं है। तो वो ज्यादा ड्राइव करते हैं और उनको मजा भी आता है, तो बहुत अच्छा से इंजॉय करके चलाते हैं। तो तुम इंजॉय करो। हाँ, सच में इंजॉय करना ही चाहिए, है ना। हस्बैंड लोग को काम देना चाहिए, वाइफ लोग इंजॉय करे, है ना। अदिति, बुक फिनिश हुआ? वो बुक पढ़ रही है अभी, बुक भी पढ़ रही है, सो भी रही है, सारा चीज कर रही है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है पीछे क्या कर रही है ना। मिस्टी पढ़ रही हो? इसका रोड लेकिन सब जगह अच्छा बन गया अभी। हाँ, रोड सब बहुत अच्छा बन गया है ना, तो चलने में मजा आता है। नहीं, ड्राइव करने मजा आता होगा, टेंशन नहीं रहता ड्राइव करने में, कितना भी लंबा डिस्टेंस होगा दिक्कत। हाँ, सही सही बात है। रोड थोड़ा खराब होता तो थोड़ा जाने की प्रॉब्लम रहता है। सही, जीटी रोड सब अच्छा ही रहता है। और जो मेन जो रहता है ना, जो अंदर में जो सिटी के अंदर जब घुसे तो ड्राइव करना बहुत मुश्किल है। शाम हो गया है यहाँ पे एकदम गाइस। तो दोपहर में हम लोग लंच किए थे, लंच करने के बाद फिर आकर के हम कार में सो भी गए थे। 2 घंटा सोए, बहुत सोए, पता नहीं बंटी तो टाइट नहीं हुए है, लेकिन चेहरा से तो पता चल रहा है कि टाइट हो गया। टाइट हो गया नहीं, लगातार वो ड्राइव कर रहे हैं। और शाम हो गया है, बस चाय का दुकान खोल रहे हैं हम लोग की चाय पिए, नहीं दुकान दिखे तो रुकिएगा, है ना। तो अभी हम लोग ये खा रहे हैं पॉपकॉर्न, है कॉर्न है स्क्वायर वाला, जो बहुत टेस्टी रहता है। मिस्टी तो पूरा बैठ के खा रही है। तो अभी गाइस हम लोग चाय पीने के लिए कर रहे हैं। मौसम भी एकदम ठंडा है, मतलब गर्म भी नहीं है ना, ज्यादा ठंडा है, मीडियम है, अच्छा लग रहा।
नहीं नहीं इस रोड पे ना ट्रक बहुत हम लोग देखे, मतलब ना बोले मतलब एक ट्रक दो ट्रक को ओवरटेक करो फिर तीसरा ट्रक है, बहुत सारे ट्रक सब, मतलब इतना ट्रक हम लाइफ में कभी देखे ही नहीं थे जितना हम मतलब नॉर्थ साइड में आकर के ट्रक्स देख रहे रोड पे, है ना, बहुत सारे ट्रक्स सब थे। ये किसी चीज का पेड़ लग रहा है, नहीं कोई प्लांट सब का। शाम हो गया है गाइस, तभी हम लोग चाय का दुकान खोज रहे हैं, जहाँ मिल जाएगा वहाँ चाय पियेंगे। और चाहिए तो गाइस हम लोग होटल फाइनली पहुंच गए एकदम रात के समय में, आप देख सकते कितना टायर्ड हो गया है और चेहरा भी बहुत टायर्ड हो गया था मेरा, तो बैठे बैठे भी इंसान टायर्ड हो जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पहुंच गए थे होटल आगरा का, होटल में बहुत ही अच्छा था, होटल का नाम फर्न होटल था जो बहुत ही अच्छा था, एकदम मेन सिटी पे था और मेरे हस्बैंड है उन्हीं के फ्रेंड थे वही सब बुक किए थे, तो बहुत ही अच्छा होटल लगा था हम लोग को। मिस्टी को सब पता रहता है, सारा चीज वो जानती है। होटल तो बहुत सुंदर है। और रात के समय पहुंचे थे ना, बहुत ही ठंडा था गाइस, बहुत ज्यादा। तो ओपन डोर करने के बाद इतना अच्छा लुक था, देखिए आप लोग। तो आगरा का कौन सा होटल था बंटी? फर्न होटल था। तो बहुत ही अच्छा था ये रूम का पूरा व्यू। मिस्टी को बहुत पसंद है अगर होटल में जाएं और रहें, वो पता नहीं सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वही होती है और उसको बहुत इंजॉय करती है उसको, होटल में तो बहुत मन लगता है, घर में मन लगे चाहे नहीं लगे लेकिन होटल में बहुत ज्यादा इंजॉय करती है। तो यहाँ पे पहुँच गए अपना, और सबसे पहले तो अपना जितना भी लगेज रहता है सबसे पहले यहाँ सेट करो, उसके बाद फिर हाँ हम लोग एक बार रांची के होटल में गए थे तो बिल्कुल इसी टाइप का होटल बनाया हुआ था, देख के ऐसा लगा कि मतलब वो रांची के हम लोग होटल में ही पहुंच गए, बिल्कुल इसी डिजाइन में बनाया था। रात का समय हम लोग पहुंचे थे तो बाहर दिख नहीं रहा था अच्छा से, लेकिन मॉर्निंग के समय में बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो ठंडा हवा भी लग रहा था जैसे कर्टेन हटाने पे अंदर ही घुसे जा रहा था, इतना ठंडा हवा था। यहाँ पे मेरा डिनर हो चुका है और डिनर हम पता है रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे क्योंकि यहाँ पे इतना ठंडा था, आने के बाद हम जस्ट नहा लिए थे, नहाने के बाद वो हम क्या कहते हैं डिनर ऑर्डर कर चुके थे और वो खाना लेकर के आ गया और हम खा लिया और हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे। अभी जब हम सोने के लिए आए तो हमको याद आया कि अरे हम रिकॉर्ड तो किए ही नहीं और खाना तो सारा पेट के अंदर चला गया है। तो गाइस हम मटर पनीर ऑर्डर किए थे और गार्लिक नान ऑर्डर किए थे जो मिस्टी को बहुत पसंद है और नूडल्स ऑर्डर किए थे। तो हम लोग खाना खा करके और सोने के लिए आ गए, देखिए मिस्टी सो रही है, इतना ठंडा लग रहा है कि पूरा वो ब्लैंकेट ओढ़ करके सो रही है। सो गई सो गई, अच्छा तो गुड नाइट तो बोल दो, सी गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बोल नहीं रही है। सी 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 गुड नाइट। तो गाइस मिस्टी यहाँ पे गुड नाइट बोल दी है। तो गाइस ये मेरा वीडियो में ही पे अपना समाप्त करते हैं और आप लोग बताइएगा मेरे वीडियोस कैसे बने हैं इंदौर टू आगरा का। अगर गाइस मेरे वीडियोस छोटा सा वीडियोस अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और एक अच्छा सा कमेंट करें। तो गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से फिर मैं मिलती हूँ, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मेरा ताजमहल का रहेगा तो आप लोग वो जरूर देखिएगा, बाय बाय, गुड नाइट।